जानकारों ने बताया कि इंडिया में बॉलर से ज्यादा ब्रांड वैल्यू बैटर्स की है, इसलिए शमी की ब्रांड वैल्यू भी एक हद तक ही आगे बढ़ेगी। भावमाला के सिर्फ शमी के नहीं बढ़े हैं, वर्ल्ड कप देखना है, टिकट के अलावा दो चीज़ें और लगती हैं, अहमदाबाद में रुकने को कमरा और पहुंचने के लिए एक सीट आसमान में। ऐसे में होटल मालिक और एयरलाइंस ने जितना कहर ढाया हुआ है, जितना ऊपर प्लेन उड़ता है टिकट उससे भी ऊपर पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, लिहाजा अहमदाबाद में चहलकदमी बढ़ चुकी है। इस बीच हवाई टिकट के दाम ऐसे बढ़े हैं कि पूछना ही नहीं, टिकटों के दाम 10 गुना से ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। टिकट प्राइसेस का आकलन करने के लिए हमने ईज माई ट्रिप पर एक कंपेरिजन किया। 18 नवंबर यानी फाइनल वाले दिन से एक दिन पहले दिल्ली अहमदाबाद की सबसे सस्ती और महंगी दोनों ही टिकट विस्तारा बेच रही है। सस्ती टिकट का दाम है 20,982 रुपये और महंगी टिकट 80,000 रुपये की है। 19 नवंबर यानी मैच वाले दिन की अगर फ्लाइट्स के टिकट के दाम देखें तो 11,000 की रेंज में ये सारे टिकट के दाम हैं, जो आगे के दिनों में घटते हुए 8,000, 7,000, 6,000, 5,000 तक नीचे आ रहे हैं। वहीं यही हाल होटलों वालों का भी है। ये तो हो गई टिकट की बात, अब लोग बाग आ रहे हैं तो रुकेंगे भी, फिर होटल वाले बहती गंगा में हाथ धोने से पीछे क्यों रहे। होटल कमरों का किराया बढ़ने की खबरें कई वेबसाइट्स पर पहले ही छप चुकी हैं। खासकर अच्छे होटल्स यानी 4 सितारा 5 सितारा के कमरों के दाम औसतन 10 गुना बढ़ गए हैं। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ गुजरात के प्रेसिडेंट नरेंद्र सोमानी ने ANI को बताया कि कल तक जो रूम 20,000 रुपए में बिक रहे थे वो 50,000 तक में मिल रहे हैं, कुछ जगह तो किराया 1.25 लाख रुपए तक पहुंच गया है। हमने सोचा कि एक बार खुद भी फोन घुमाकर जरा पता करें कि भाई क्या हालचाल चल रहा है, तो मामला सही निकला। रात से ही आप जैसे देख रहे हो भारत में फाइनल में आ चुका है और इसका उत्साह पूरे देश में है, नहीं सिर्फ भारत में। आज लोग दुबई से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आना चाह रहे हैं ये मैच को देखने के लिए। तो कल रात से ही जो कल तक रूम 20,000 रुपए तक बिक रहे थे, आज 50,000 से 1.25 लाख रुपए आप साइट पे देख सकते हैं ये रूम के भाड़े हो गए है। क्योंकि आज जो यहाँ गुजरात के जो स्टेडियम की, अहमदाबाद के जो स्टेडियम की कैपेसिटी है वो 1,20,000 प्रेक्षकों की है, जिसमें करीब 30,000 से 40,000 लोग बाहर से आने की गिनती है। और यहाँ अहमदाबाद में रूम सिर्फ 5,000 रूम ही है और पूरे गुजरात में 3 स्टार से 5 स्टार के 10,000 रूम है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि नहीं सिर्फ अहमदाबाद में, आसपास जैसे नड़ियाद है, आनंद है, बड़ोड़ा है, मेहसाना है, कलोल है, वहां तक की होटलें रूम्स फुल होने जा रहे हैं। और लोग कैसे भी करके यहाँ पहुंचना चाहते हैं, जिनको फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही है वो बाय रोड भी प्लान करके 18 तारीख तक यहाँ रात को पहुंचने का प्लान कर रहे हैं। स्टेडियम के पास हयात होटल, उमैद अहमदाबाद एयरपोर्ट, रेनेसां, क्राउन प्लाजा और नोवोटेल कुछ जाने माने होटल्स के नाम है। नोवोटेल में रिजर्वेशन डेस्क में काम करने वाले हुजैफा ने लल्लन टॉप को बताया कि दाम सिर्फ 17 और 18 तारीख के लिए ही बढ़ाए गए हैं। ये होटल इन तारीखों को 65,000 से लेकर 90,000 रुपए तक के कमरे किराए पर दे रहे हैं। GST अलग से यानी करीबन 10 से 11,000 या 12,000 तक की GST और जोड़ लीजिए। 19 तारीख यानी मैच वाले दिन तो दाम यानी होटल का किराया 1 लाख के पार भी गया है, जबकि यही कमरे 2 दिन पहले तक आपको 7 से 8,000 रुपए तक में मिल रहे थे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हाल चल रहा है। हमने ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए कुछ और होटलों के रेंट छाने। मेक माई ट्रिप पर 5 सितारा होटल हयात में 18 तारीख के लिए तो कमरा अवेलेबल ही नहीं है। मनी कंट्रोल ने रिपोर्ट की है कि कमरों के दाम 24,000 रुपए से बढ़कर के 2,15,000 रुपए तक भी पहुंच गए हैं। भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान भी कुछ इसी तरह का आलम देखने को मिला था। वो मैच भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। इस बार का वर्ल्ड कप जीत गए तो इंडियन टीम के फैंस की बल्ले बल्ले हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।